अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वाइट सॉस चिकन चीज़ रोल। बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही चीज़ी और क्रीमी होगी। और ये रेसिपी सच में खाने में भी बहुत लाजवाब लगती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी पूरी देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इसे किस तरह बनाना है देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक मिक्सी का जार। इसमें आधा कप हम डालेंगे कॉर्न से उबले हुए कॉर्न से। इसमें दो हरी मिर्चें डालेंगे और इसे बारीक सा पीस लेंगे। तो देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है हमें, बस दरदरा से इसे पीस लेना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रख दिया एक पैन, इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे बटर। बटर ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 टीस्पून हमने डाला है इसमें मैदा। अब इसे जो है अच्छे से भून लेंगे मैदा डालकर। अब इसमें जो है आधे कप से थोड़ा कम हमने दूध डाला है। अब दूध डालकर इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे गाढ़ा होने तक। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून डाला है कुटे हुए लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून डाला है ओरिगैनो, और हमने आधा कप डाली है शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है गाजर, और हमने 2 टेबल स्पून इसमें चीज़ डाला है, 2 टेबल स्पून मोजरेला चीज़ डाला है, और इसमें हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन को श्रेड करके बॉईल करके डाल दिया है, और इसमें बचा हुआ आधे कप का जो दूध था ना 2 टेबल स्पून वो इसमें ऐड कर दिया। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और जो कॉर्न और मिर्ची को हमने पीसा था ना वो इसमें डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि चीज़ में भी और जो है बटर में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालें। तो देखिए सारी चीज़ों को 2 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा जो है अंदर का स्टफिंग रेडी है। यहाँ हमने जो है 3 आलू लिए उबले हुए, इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक और आधा कप कॉर्नफ्लोर, और आलू को अच्छे से जो है कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स करेंगे और एक आटे के जैसा डो तैयार करेंगे। अब हाथों पर थोड़ा ऑयल लगाएंगे और जो है इसे अच्छे से इस तरह से देखिए आलू लेंगे, हाथों पर फैला लेंगे। इसके बाद इसमें जो है हम ये चीज़ का जो बैटर था ना वो हम इसमें भर देंगे। ये इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत मज़े का बनता है। तो अब देखिए इस पर हम जो है अच्छे से पैक कर लेंगे और इस तरह से रोल बनाएंगे। आप जो है इसे पेटिश का शेप भी दे सकते हैं, आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह रोल के शेप में ये सारे बनाकर रेडी कर लिए। अब इसे साइड में रख देते हैं और मैंने थोड़ा सा जो है आलू और थोड़ा ये बैटर बचा लिया था। इसे दूसरे तरीके से किस तरह बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आप आलू और जो ये बैटर है ना एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसे जो है बना लेंगे। इससे भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो है मैंने दोनों तरीके से बनाए थे लेकिन ये तरीका मुझे ज़्यादा ईजी लगा और ज़्यादा मज़े का लगा। तो आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए दूसरे पेटिस हम इस तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सारे रोल इसी तरह से बना लेंगे, सिर्फ दोनों की कोटिंग थोड़ी थोड़ी अलग होगी, बस बनाना सेम ही है। तो इस तरह से हम सारे बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए सारे रोल हमने बनाकर तैयार कर लिए। तो अब इसकी कोटिंग करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है कॉर्नफ्लोर मैदे का घोल, और ये लिया है हमने जो समोसे की पट्टी होती है ना उसे कट करके लिया है। आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे जो है मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करेंगे और इसके बाद इस तरह से ये जो है समोसा पत्ती इस पर लगा देंगे। तो ये सारे रोल इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। अब दूसरे हम किस तरह से कोट करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ कॉर्नफ्लोर हमने लिया है, तो सबसे पहले कॉर्नफ्लोर में इसे जो है अच्छे से डिप करेंगे, इसके बाद जो है कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करेंगे, इसके बाद जो है ये समोसा पत्ती इस पर लगाएंगे। आपको मैं फिर से बताती हूँ कि आपके पास समोसा पत्ती ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो सारे हमने रेडी कर लिए, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल में हम जो है ये रोल डालें ना तो फौरन ही बबल आना चाहिए, इतना हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए। तो अच्छे से एक साइड से थोड़ा गोल्डन होने देंगे, इसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो साइज़ चेंज करते हुए इसे जो है अच्छे से गोल्डन होने तक हमें फ्राई कर लेना है, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी होगी। और इसमें हमने चीज़ डाला है वो चीज़ भी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, जो कोटिंग हमने इस पर की है ना उसकी वजह से। तो देखिए हमारे रोल बनकर रेडी है और आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी, कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। तो बड़ी ही आसानी से, ज़बरदस्त से, मज़ेदार से हमारे ये चिकन चीज़ रोल बनकर रेडी है। और आप देख सकते हैं अंदर से ये कितने क्रीमी और चीज़ी बने हैं,
बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये जो है हमने आलू की कोटिंग वाले बनाए हैं, और ये जो डायरेक्ट है ना ये वाले, तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो देख सकते हैं आप ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आपको जो भी पसंद हो, जिस तरह से भी बनाना आसान लगता हो, उस तरह से आप ये बना सकते हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप भी इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं, खाएं, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।